हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है लॉन्ग कंपोजिशंस। और लॉन्ग कंपोजिशंस के अंदर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के अंदर दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से आपसे पूछा जाता है। पहला जो है वो है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इसके अथवा में आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जिसका हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रिपोर्ट राइटिंग है वो करने वाले हैं। ये लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आता है, दो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन तो एक्चुअली में एक ही होता है, लेकिन अथवा में दिया होता है रिपोर्ट राइटिंग और उसके अथवा में आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो उनमें से कोई भी एक करना होता है, तो इस वीडियो के अंदर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट होती क्या है। व्हाट इज ए रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, इसका शब्द का अर्थ समझने के लिए, रिपोर्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द रिपोर्टेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है वापिस ले जाना। तो रिपोर्ट के अंदर हम लिखते हैं जो घटना घटी है, कोई ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसा कोई कार्यक्रम, तो उसका वर्णन करना होता है। हम भूतकाल की किसी घटना, दुर्घटना या किसी कार्यक्रम का वर्णन करते हैं रिपोर्ट के अंदर, और हम अपने आप को वापिस उसी स्थिति के अंदर ले जाते हैं, और उस स्थिति का अंक होने का हाल जो है वो इसके अंदर हम बताते हैं। तो इसके अंदर कुछ और आगे समझने के लिए इसके अर्थ को देखते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है हमें घटना स्थिति की वास्तविकता से परिचय कराती है। यह एक ऐसी घटना का सार होता है जो घटित हो चुकी होती है। लिखने वाला व्यक्ति इस घटना का निरीक्षण करता है, प्रत्यक्ष देखता है, अनुभव करता है या उसमें भाग लेता है। रिपोर्ट घटित हो चुकी घटना के बारे में अन्य लोगों को बताने के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट का शीर्षक होना चाहिए, रिपोर्ट को लिखने का स्थान व दिनांक को भी दर्शाया जाना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं रिपोर्ट की। सबसे पहले हम रिपोर्ट की हेडिंग लिखते हैं, और रिपोर्ट जब लिखते हैं तो हम ये भी उसमें लिखते हैं कि वो कौन से स्थान पर घटना है वो हुई है, और कौन सी तारीख को वो घटना हुई है। तो नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं क्या है। देखिए, अच्छी रिपोर्ट की विशेषताओं के अंदर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर पांच विशेषताएं हैं। आप इस पूरी रिपोर्ट की जो भी वीडियो है सभी को पॉज करके आप नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको इसको बार बार वीडियो को ना देखना पड़े, और एक बार जब नोट हो जाए तो आप अपनी नोटबुक में से इसको पढ़ करके याद कर लें और समझ लें। तो देखते हैं अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं क्या होती है। नंबर एक इसमें है, इसमें घटना या दुर्घटना की मुख्य सूचना होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी घटना की वर्णन अपने करेंगे, विवरण देंगे, तो उसकी सूचना इसके अंदर होनी चाहिए। यह संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, यानी इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी है, रिपोर्ट से संबंधित ही भाषा का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। रिपोर्ट को सामान्यतः पास्ट टेंस में तथा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ठीक है, पास्ट टेंस होता है इसके अंदर, और इसको प्राय पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी रिपोर्ट ही पैसिव वॉइस में लिख दें, लेकिन पैसिव वॉइस में ज्यादा इसमें सेंटेंस है वो यूज किए जाते हैं, और भूतकाल के अंदर ये लिखी जाती है। चार नंबर पॉइंट है, रिपोर्ट में व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश ना होकर तथ्यपूर्ण सूचनाएं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, अपने इसमें जो पर्सनल फीलिंग्स है उनका यूज नहीं करते हैं रिपोर्ट के अंदर। और पांचवा पॉइंट है, रिपोर्ट पूरी लिखने के बाद पाठकों के सामने संदेहपूर्ण प्रश्न नहीं रहना चाहिए, यानी जो भी घटना जिसके बारे में हमने बताया है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं। पहला है रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स, यानी किसी घटना के ऊपर, किसी दुर्घटना के ऊपर रिपोर्ट लिखते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी घर में आग लग गई, उसके बारे में यदि हमें रिपोर्ट करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो उसको कहते हैं रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स। दूसरा टाइप आता है इसका, रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, किसी घटना के ऊपर रिपोर्ट करना। और तीसरा टाइप है रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज या मैटर्स, कोई भी प्रॉब्लमेटिक इश्यू है यानी कोई समस्या है उसके ऊपर हमें रिपोर्ट राइटिंग करना होता है। तो ये तीन प्रकार की होती है, तीनों प्रकार हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं वीडियो के अंदर, और आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स टाइप वन की। तो इस प्रकार की रिपोर्ट में दुर्घटनाओं या कोई अप्रिय घटना का विवरण होता है, यानी इसमें कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट या कोई अप्रिय घटना होती है। इस प्रकार की रिपोर्ट को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करना चाहिए।
यानी निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको इसके अंदर शामिल करने चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए नंबर वन, सबसे पहला है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का शीर्षक। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि आप कौन से विषय के ऊपर रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। दो नंबर पॉइंट है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, यानी शीर्षक लिखने के बाद में उसके नीचे लिखेंगे लिखने वाले का नाम और पदनाम, यानी कौन लिख रहा है इस रिपोर्ट को और उसका पद क्या है। ठीक है, हेडिंग के नीचे ये लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो आप रिपोर्ट लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा देख करके इसको किस तरीके से लिखते हैं। तीन नंबर पॉइंट है प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, लिखने का स्थान व दिनांक, ये लिखते हैं, यानी शुरुआत अपने करते हैं उससे पहले प्लेस लिखते हैं, स्थान लिखते हैं कि वो घटना है वो कौन से स्थान पर घटी और कौन सी तारीख को घटी, ये चीज हम लिखते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं और रिपोर्ट के अंदर हमें क्या बताना है। नंबर चार पॉइंट देखिए, टाइप ऑफ इंसिडेंट, अपरिहार्य घटना का प्रकार, यानी वो जो इंसिडेंट है वो किस प्रकार की, किसी घर में आग लगी है, कहीं पर चोरी हुई है, कोई और विषय है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, बस एक्सीडेंट, या कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होनी चाहिए, तो उसका प्रकार हम बताते हैं। पांच नंबर पॉइंट के अंदर देखिए प्लेस एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, यानी वो जो इंसिडेंट है वो कौन से स्थान पर घटी और उसका समय क्या था, तो ये मैंने यहाँ पे हिंदी के अंदर थोड़ा सा समय लिख दिया, तो ये समय लिखा हुआ है, अप्रिय घटना का स्थान और समय। ठीक है, छह नंबर पॉइंट जो है द वे ऑफ हैपनिंग, घटना घटित होने का तरीका क्या था, यानी वो घटना किस तरह से, किसकी गलती से घटी या किसकी वजह से वो ऐसा हुआ, वो भी आपको रिपोर्ट में इसमें बताना होता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर सात देखिए डिटेल ऑफ डेड एंड इंजर्ड इफ एनी, यदि कोई उसमें व्यक्तियों की मौत हो गई है या कोई घायल हो गया है ऐसी रिपोर्ट के अंदर, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी है, कितने व्यक्ति घायल हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई है। पॉइंट नंबर आठ है डिटेल ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, राहत कार्यों का विवरण आपको देना है, ऐसी कोई दुर्घटना है, आग लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से क्या मदद की गई, कौन कौन सी राहत कार्य किए गए, वो आपको इसमें बताना है। और नौवा पॉइंट है अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, दूसरी जो अन्य सूचनाएं हैं वो आप इसमें लिख सकते हो, और भी कोई सूचनाएं हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट नंबर वन, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो क्वेश्चन लिखा है सबसे पहला, जो कि आरबीएससी के अंदर 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन ये था यू आर अरुण, आप अरुण हो ए रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हो, राइट ए रिपोर्ट, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है गिविंग डिटेल्स ऑफ द रोड एक्सीडेंट दैट यू विटनेस, विटनेस का अर्थ होता है देखना, तो आपको एक रोड एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्टिंग करनी है जिसको आपने देखा है। और वर्ड लिमिट जो होती है स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग के अंदर वो 100 वर्ड्स होती है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो आपको रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखना है, आपका नाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर एक अपने पढ़ा था, शुरुआत किससे करनी है, हेडिंग से, शीर्षक से, तो रोड एक्सीडेंट शीर्षक लिख दिया। उसके नीचे क्या लिखना है, लिखने वाले का नाम और पदनाम, तो आपका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वहीं से लिखेंगे बाई अरुण और कोमा लगा करके आगे आपका पदनाम भी दिया हुआ है, डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है रिपोर्टर, तो रिपोर्टर, तो इसको ब्रैकेट में आप एक साइड में लिख सकते हो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में ये देखिए शुरुआत कैसे करनी है, स्थान का नाम लिखना है सबसे पहले, इस तरीके से आप यहाँ पे स्थान का नाम लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे स्थान का नाम लिखा है आच रोड जयपुर, ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा देनी है, उसके बाद स्थान का नाम लिख दिया, कहाँ पे ये घटना है, रोड एक्सीडेंट है वो हुई थी आच रोड जयपुर, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसके बाद में आपको दिनांक लिखनी है कि कौन सी दिनांक को ये घटना घटी थी। तो ये शुरुआत इस तरीके से करनी है, कोई भी रिपोर्ट आप लिखोगे उसकी शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले स्थान का नाम लिखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में आपको जो दिनांक है वो लिखनी है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़नी है और थोड़ी सी लाइन लगा करके आपको रिपोर्ट है वो अपनी शुरू कर देनी है। तो शुरुआत के अंदर आपकी तीन चीजें महत्वपूर्ण है, सबसे पहली चीज क्या है, आपको हेडिंग देनी है, दूसरी चीज क्या है, आपको अपना नाम और अपना पदनाम लिखना है, और तीसरी चीज क्या है, रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले आपको बताना है कि वो रिपोर्ट कहाँ पर घटित हुई है, वो घटना कहाँ पर घटित हुई है और कौन सी तारीख को वो घटना है वो घटित हुई है। उसके बाद में आपको इस तरीके से अपनी रिपोर्ट लिखनी है, सैटरडे प्रूव्ड परहैप्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डे ऑफ मेनी पीपल हु विटनेस्ड अ फैटल कलिजन इंसिडेंट ऑफ ए मारुति कार एंड ए टूरिस्ट बस एट आच रोड ऑन NH7 एट अराउंड 2 PM। देखिए अपने यहाँ पे
कहां पर घटित हुई वो भी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया, डेट अपने ऊपर पहले भी लिख चुके हैं। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट है वो अपनी स्टार्ट करनी है और पूरी रिपोर्ट आपको लिख देनी है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस रिपोर्ट को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें ताकि जब भी बाद में आप पढ़ें तो आपको आसानी हो याद करने में। तो ये रिपोर्ट है रोड एक्सीडेंट की, तो इसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी रिपोर्ट की, दूसरी उदाहरण की। ये दूसरा जो एग्जांपल है वो है यू आर रजत शर्मा, आपका नाम दिया है रजत शर्मा। राइट रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फायर एक्सीडेंट। और ये जो रिपोर्ट है ये बोर्ड एग्जाम 2017 में आपसे पूछी गई थी, तो आपको इसमें क्या लिखना है, फायर एक्सीडेंट की रिपोर्ट है। तो उसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग देनी है, उसके बाद में आपका नाम दिया है, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो, और आपका पदनाम भी लिखना है, जैसे क्लास 12th यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट के अंदर बाई लगा के अपना नाम और कॉमा लगा करके पदनाम भी लिखना होता है। फिर शुरुआत कैसे करेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे, ये फायर एक्सीडेंट है, ये कौन से स्थान पर घटित हुई थी, तो स्थान का नाम आ गया अलवर। उसके बाद में दिनांक लिखनी है 8 जनवरी, तो 8 जनवरी को ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद में आगे अपनी रिपोर्ट लिखना आपको शुरू करना है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट पूरी लिख देंगे। ये देखिए, इसको आप पॉज करके वीडियो को और पूरी रिपोर्ट को नोट कर सकते हैं। ये देखिए यहां तक, ठीक है, ये फायर एक्सीडेंट की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यस्टरडे यू सॉ 2 स्टूडेंट्स क्वारलिंग ऑन द रोड, कल आपने 2 लड़कों को सड़क पर झगड़ते हुए देखा। Soon they became violent, जल्दी वे हिंसक हो गए, and hurt each other, और एक दूसरे को उन्होंने चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। A heavy crowd gathered, भीड़ इकट्ठा हो गई, and they were taken to hospital, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। Write a report on what you saw, तो आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आपने क्या देखा। तो किस तरीके से शुरुआत करेंगे, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अभी। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, स्टूडेंट्स क्वायल ऑन रोड, और उसके बाद में आपको अपना पदनाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और पदनाम लिखना है। चूंकि क्वेश्चन के अंदर आपका नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप फ्री हो कोई भी नाम लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई अशोक कुमार, कोमा लगा दी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इस तरीके से आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर आपको शुरुआत करने से पहले क्या काम करना है, स्थान का नाम लिखना है, कहाँ पे ये घटना घटित हुई, और दिनांक लिखनी है, कौन सी दिनांक को ये घटना घटित हुई। तो स्टूडेंट स्क्वायर ऑन रोड, ये पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको आप कॉपी में नोट कर ले, ये पूरी रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर संजीव, आपका नाम संजीव है, एक क्राइम रिपोर्टर, और आपका डेजिग्नेशन भी दे दिया है, आपका पदनाम भी दे दिया कि आप क्राइम रिपोर्टर हो। यू विटनेस ए रोबरी इन ए लोकल बैंक, आपने एक लोकल बैंक के अंदर डकैती को देखा है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए बैंक रोबरी, तो आपको बैंक रोबरी के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है। ये देखिए, ये सभी चीजें आपको आ गई यहाँ पे, हेडिंग आ गया यहाँ पे, आपका नाम दिया हुआ था, पदनाम भी दिया हुआ था, वो भी यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद में आपको जगह का नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है इस तरीके से, और फिर आपको अपनी रिपोर्ट बतानी है कि आपने किस तरीके से एक रोबरी को विटनेस किया एक बैंक के अंदर। तो ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे टाइप की जो रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं। ये है रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, ये दूसरा जो टाइप है वो है घटना के ऊपर, इसमें दुर्घटना नहीं होगी, ये ध्यान रखें, कोई प्रोग्राम हो सकता है या कोई घटना हो सकती है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स में किसी गतिविधि, कार्यक्रम, कैंप, प्रतियोगिता आदि पर रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। किसी घटना पर रिपोर्ट्स लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल कर सकते हो आप देख लीजिए यहाँ पे। पहला जो है वो है टाइटल, शीर्षक, वही जो ऊपर वाली में था, इंसिडेंट वाली रिपोर्ट में था, वही इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग लिखनी है। उसके बाद में वही तरीका, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, लिखने वाले का नाम और उसका पदनाम, प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, ये भी सेम है, तो शुरू के तीनों पॉइंट सेम है। इसके बाद में नेम ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का नाम लिखना है आपको, क्या कार्यक्रम है, डे, दिन लिखना है, दिनांक लिखनी है, टाइम लिखनी है, स्थान लिखना है, कौन से स्थान पर है, कौन से दिन को वो कार्यक्रम है और किस दिनांक को वो कार्यक्रम हुआ। चीफ गेस्ट यदि है कोई तो वो बताना है कौन है। सातवां पॉइंट है डिटेल ऑफ द इवेंट, इवेंट की घटना बता देनी है आपको कि इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ। और उसके बाद में कंक्लूजन, यदि कोई निष्कर्ष लास्ट में निकाल सकते हो तो वो भी आपको इसके अंदर बताना चाहिए।
तो इसके उदाहरण हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, राइट रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको पुरस्कार वितरण समारोह के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स के अंदर। ये जो रिपोर्ट है ये आपको 2016 की बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। तो शुरू के देखिए, हेडिंग देना है, उसके नीचे नाम लिख देना है आपको इस तरीके से, बाई रोहित पूनिया क्लास 12, इस तरीके से। स्थान का नाम लिखना है जैसे पहले लिखा था, और दिनांक लिखनी है जैसे आपने पहले लिखी थी। तो ये रिपोर्ट जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की आपको पूरी लिख देनी है। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और पूरी रिपोर्ट को अच्छे से समझ लें और इसको याद कर लें। इसके बाद में अगली रिपोर्ट्स की बात करते हैं। यू आर लक्ष्मी कुमारी, आपका नाम लक्ष्मी कुमारी है, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, आप राजस्थान पत्रिका की रिपोर्टर हैं। राइट रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन योर सिटी। आपके शहर के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए हैं, अभी चुनाव हुए हैं, उनके ऊपर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपोर्ट का RBSE के एग्जाम 2014 में आपसे पूछा गया था। तो इसका तरीका भी लगभग सेम है, वही हेडिंग देनी है, आपका नाम यहाँ पे लिख देना है क्या नाम है, और आपका पदनाम आ गया रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। उसके बाद में कौन से स्थान पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, वो स्थान का नाम आ गया, और दिनांक का नाम भी आपको लिख देना है। तो पूरी रिपोर्ट को आप नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, इसको भी ये पूरा आपने इसके अंदर विवरण दे दिया, आप इसको पढ़े आपको समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, योर क्लब ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप, आपके क्लब ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है इन योर सिटी, आपके शहर में, राइट रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आपको 100 वर्ड्स के अंदर रिपोर्ट लिखनी है। ये क्वेश्चन भी आपको 2015 के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसको भी कुछ लिखने का तरीका वैसा ही है। ये देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप हेडिंग दे दी, और आपका नाम इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, बाई पूजा रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, उसके नीचे आप जगह का नाम और दिनांक लिख के पूरी रिपोर्ट है वो लिखें। तो इस तरीके से आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पूरी रिपोर्ट को नोट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको नाम दिया है दिव्या, आपने एक सेमिनार अरेंज किया है क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आपने अटेंड किया है, सॉरी अरेंज नहीं किया है, आपने एक सेमिनार को अटेंड किया है, और वो सेमिनार अरेंज किया गया था इंटेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये कंपनी का नाम दिया है जयपुर के अंदर। तो आपको लिखना है सेमिनार का जो टॉपिक था, हाउ टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस, कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको विश्वास के साथ किस तरीके से उनका सामना किया जाए, इसके ऊपर एक सेमिनार था, तो इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो हेडिंग लिख करके आप अपना नाम लिख देंगे, उसी तरीके से शुरुआत करेंगे, और पूरा जो सेमिनार आपने अटेंड किया है उसके बारे में पूरा आप जो विवरण है वो नीचे लिख देंगे। इसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज या मैटर्स, समस्यात्मक मामलों पर रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, इसमें कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, प्रॉब्लमेटिक इश्यूज पर रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द मैटर, सबसे पहले आपको मामले का परिचय देना है कि क्या समस्या है, उसके बाद में स्थान का नाम, अफेक्टेड पर्संस, उससे कौन कौन से व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, अदर इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के दूसरे क्या प्रभाव और हैं, अदर रिलेवेंट डिटेल्स, और दूसरी प्रासंगिक कोई डिटेल है, कोई विवरण है तो वो भी आपको इसमें लिखना है। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है उदाहरण के रूप में, जैसे द पावर फेलियर प्रॉब्लम अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, कि बिजली चली जाती है, ये जो पावर फेलियर की समस्या है हमारे जीवन के अंदर, तो इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और वर्ड लिमिट आपको दी हुई है 100 वर्ड्स। तो पावर फेलियर जो लाइट की कटौती होती है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, बिल्कुल उसी तरीके से शुरुआत करना है, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन सूरतगढ़, आपको इस तरीके से हेडिंग देनी है सबसे पहले, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन सूरतगढ़, उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है बाई चेस्टा पूनिया क्लास 12th, और उसके बाद में स्थान का नाम आ गया और दिनांक, ये आपको लिखना है, और फिर आप इस तरीके से रिपोर्ट पूरी है वो यहाँ पे लिख देंगे कि पावर फेलियर की समस्या है वो किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही था, रिपोर्ट राइटिंग। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार भी आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, इसी नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। तो अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।